मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भेजा 5:56 पर वॉइस मैसेज आया, मैं आपको सुनाता हूं। पास्टर जी बारिश को खोलो, पास्टर जी बारिश को खोलो, अभी बारिश को खोलो, जरूरत है बारिश की, पास्टर जी बारिश को खोल दो अभी, अब जरूरत है बारिश की, इधर मदेरा के एरिया में बारिश आनी चाहिए, बारिश को खोल दो, राजस्थान में बारिश आनी चाहिए, पूरे राजस्थान में बारिश को खोल दो पास्टर जी अभी, यीशु मसीह का नाम है, आमीन। धन्यवाद हो, गॉड ब्लेस यू, पास्टर जी को धन्यवाद, पास्टर जी के परिवार को धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। अब ऐसे कह रहा है, कहाँ है अमर, कहाँ, ओके खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, कहाँ इसका भाई है वो, तो मुझे ऐसे कह रहा है जैसे पानी की टूटी खोलनी होती है, पास्टर जी टूटी खोल दो, पास्टर जी टूटी खोल दो, पास्टर जी टूटी खोल दो, तो मतलब ये इतना आसान थोड़ा, भी टूटी खोलनी है जैसे, वैसे मैसेज कर रहा है। और मैंने कुछ समय के बाद देखा उसको, जब इसने भेजा 5:56 पे, और मैंने देखा 6:40 पे उसको देखा, 6:40 पे मैंने प्रार्थना की, हे यहोवा पिता, हमारी प्रार्थना ग्रहण करो, प्रभु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता क्या बारिश को ले लो, हे परमेश्वर पिता बारिश को ले लो, ताकि परमेश्वर पिता खेतों के लिए इन्हें विशेष बारिश की जरूरत है, परमेश्वर पिता बारिश को ले लो, राजस्थान में बारिश को ले लो, प्रभु जी इस एरिया में बारिश को ले लो, मेरे परमेश्वर पिता हरे परमेश्वर प्रकृति आपकी आज्ञा का पालन करती है, आप आज्ञा दें, भविष्य मसीह के नाम से बारिश आ जाए, भविष्य मसीह के नाम से बारिश आ जाए, आमीन। तो ये मैंने प्रार्थना की, और उसके थोड़ी देर बाद मुझे बताने लगे घर के लोग, मैं अंदर था रूम में, कहते बारिश होनी शुरू हो गई, हालेलुया। मैं मन में मैंने जरूर सोचा, मैंने अखबारों में तो बता रहे हैं मानसून अभी उधर आया है और कब आएगा कब आएगा, तो मैंने सोचा अमर ने प्रार्थना करवाई है, मेरा काम है प्रार्थना करना, उसने विश्वास से कह दिया है, अब मैं विश्वास से कर दी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे सुन लिया।